हाँ लोग कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम मनोज, आप देखिए यहाँ से लेकिन यार मनोज तो गाइस हम लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो गाइस मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ MIUI का बीटा रोम। तो गाइस लिटरली मैं बहुत दिन हो गया बीटा रोम का रिव्यू नहीं दिया करता था, कस्टम रोम में चलता था, और अभी आपको बीटा रोम मिला क्योंकि मेरे पास मेरा रेडमी 4 नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए मेरे को दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नहीं तो मैं डायरेक्ट कैम में शूट कर लेता। तो गाइस इस तरह कुछ यहाँ पे अपडेट मिलता है, इसमें क्या क्या नया मिलता है और क्या क्या देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। तो गाइस नेट कनेक्शन भी थोड़ा डाउन है तो चलते हैं। और MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.12.13 में क्या क्या नया मिलता है, और स्टेबल रोम भी फाइनल बहुत दिन हो गया आ चुका है, और आपको पता होगा शायद सभी फोन्स में फाइनली 10 आ चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, ऑप्टिमाइज सिस्टम एंड ऐप सिलेक्शन विद सेटिंग। इसमें आपको जो ऑप्टिमाइज किया गया है, जो ऐप सेटिंग होता है सिलेक्शन के लिए, उसको कुछ सिस्टम का था उसको ऑप्टिमाइज किया गया है और फिक्स किया गया है इशू विद डिक्रिप्टिंग फुल रोम। ये क्या है कि आप जब भी आप फास्ट बूट फ्लैश करते हैं तो कंप्यूटर में फ्लैश होते हैं, बेसिकली आपको जो पैकेज डाउनलोड करना होता है, जैसे कि आपका फ़ोन में वाइस न्यू अपडेट्स अपडेटर में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने के लिए, उसको पैकेज अपडेट कर सकते हैं। इस तरह कुछ जो पैकेज को उसको डिक्रिप्टिंग करने के लिए जो प्रॉब्लम हुआ करता था वो इश्यूज था, उसको फिक्स किया गया है। और देन फिक्स क्या किया गया है, UI यानी इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस जो था MIUI का, उसका एलिमेंट जो स्क्रीन वेयर एंटर्ड कस्टम रूम कस्टम लॉक स्क्रीन वेयर टर्न ओके, ये कुछ था कि जो हमारा UI का जो कस्टम रूम लॉक स्क्रीन था उसको भी कुछ प्रॉब्लम था, इसमें ट्रंकेट था, उसको फिक्स किया गया। और फिक्स और किया गया है लॉक स्क्रीन सो ब्लैक। ये क्या है कि गाइस आपको जब भी आपके फ़ोन कभी लॉक करते हैं, कभी कभी देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि आपका जो क्लॉक होता था कभी ब्लैक हो जाता था और उसको भी फिक्स एक ब्लॉक था ओके। ये बेसिकली नोट फाइव प्रो में वर्क था, उसको फिक्स किया गया है। और सेटिंग्स में जाएंगे तो स्नूज हो जाता था इंटरवल्स इन क्लॉक ऐप्स ओके। ये होता था जब भी कि क्लॉक्स ऐप्स कुछ बॉक्स था इसमें स्नूज हो रहा था ओके, क्लॉक्स एप्लीकेशन इज नॉट फुल ट्रांसलेटर, ये कुछ बॉक्स था क्लॉक में, क्लॉक आपका जो फ़ोन IMI का होता है उसके बॉक्स था, उसको भी फिक्स किया गया है। और फिक्स देन स्क्रीन फ्लिकरिंग विद अनलॉक ओके। ये क्या है कि आपका जो फ़ोन जब भी आप अनलॉक करते हो अपने फ़ोन को, जब पासवर्ड या फेस लॉक जो भी हो, उस टाइम में आपको स्क्रीन जैसे कि फ्लिकरिंग हो रहा था, उसको एक वर्क था प्रीवियस रोम में, शायद वर्क था, मैं बहुत दिन हो गया रोम रिव्यू नहीं किया था और इसीलिए उसको भी फिक्स किया गया। एंड फिक्स डबल प्लेस टू पावर बटन टच कैन टर्न ऑन ओके गाइस। ये है क्या कि आप जब भी पावर बटन को सेट करते हो डबल टैप में, टॉर्च ऑन होना वो कभी कभी काम नहीं करता था, उसको भी फिक्स किया गया है। देन इस तरह कुछ 5-6 चीज़ फिक्स्ड हुआ है और ठीक है चलेगा, बहुत अच्छा से फिक्स किया गया है। यहाँ में जो सिस्टम का ऐप है उसको फिक्स किया गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें आपको लिंक भी मिल जाता है MIUI 10 का, और आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और आप फास्ट बूट रोम और रिकवरी रोम डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोन कभी भी आप बीटा रोम में नहीं है तो आप उसको डाउनलोड लिंक करके आप फास्ट आपके ऑपरेटर रोम में जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। आप बीटा यूज़ कर जाना कर सकते हैं, बीटा में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है स्टेबल रोम से ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिकवरी के लिए, फास्ट बूट के लिए फास्ट बूट ऑप्शन आप इसमें फ्लैश करेंगे इस रोम को डाउनलोड करके, रिकवरी में आपका ऑपरेटर में फ्लैश करेंगे आप, जैसे कि आपका पुराने फोन्स हो गया Mi Max एंड Redmi 4X Redmi 3X वगैरह, सभी फोन्स का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। तो चाहे मैं आपको लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो गाइस कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, और मेरे को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए और भाई की शेयर कीजिए, और हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्रांड वीडियो।